Today in this video I will explain you the chapter long and short of class 3rd chapter 4th. Okay, let's start this chapter. Lali is selling things at her father's shop. A farmer comes to buy rope. तो लाली क्या कर रही थी, अपने पापा की शॉप पर सामान बेच रही थी. अ फार्मर कम्स टू बाय अ रोप, और एक फार्मर, एक किसान आता है उस शॉप पर और क्या मांगता है, रस्सी. अ फार्मर कम्स टू बाय रोप. हियर इज द फार्मर. अ फार्मर सेज, व्हाट ही सेज टू लाली, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप, क्या तुम मुझे 7 आर्म ऑफ रोप दे सकती हो. तो आप देख सकते हैं लाली जो है वो 7 आर्म्स ऑफ रोप मेजर कर रही है, 7 आर्म मतलब 7 हाथ लंबी रस्सी. तो इसको कैसे मेजर करते हैं, यहां पर दिखाया हुआ है 7 आर्म्स. 1 आर्म्स कितना होगा, जैसे कि एक उंगली से इस शोल्डर तक की लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है इसको बोलते हैं हम 1 आर्म लेंथ. जनरली ये आपने देखा होगा, आप जब भी किसी कपड़े वाली दुकान पे जाते हैं तो वहां पर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हाथ का यूज करते हैं कपड़े को मेजर करने के लिए. ओके, तो इसको बोलते हैं हम 1 आर्म लेंथ. तो हियर इज योर 7 आर्म रो. अब लाली क्या कहती है, उसने अपने हाथ से यहां से स्ट्रेच किया ये और ये, और 7 आर्म रोप निकाल दी. 1 आर्म रोप है, इसी तरीके से 7 आर्म रोप निकाल के फार्मर को दे दी. हियर इज योर 7 आर्म रोप. अब फार्मर क्या बोलता है, बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग. ये कितनी है, 6 आर्म लॉन्ग है, मतलब मेरे अगर मैं अपने हाथ से मेजर करता हूं तो मेरे हाथ के हिसाब से ये 6 हाथ लंबी है. तो लाली क्या बोलती है, व्हाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ. तो लाली उसको बोलती है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, अपने एक हाथ लंबी रस्सी निकाल के उसको 7 टाइम्स उसकी लेंथ ले लो. सो द फार्मर मेजर हिज आर्म विद द रोप एंड लाली गिव हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप. तो फार्मर भी बिल्कुल वही करता है, अपनी एक हाथ लंबी रस्सी, ये देखिए यहां पर ये निकाल रहा है, ये फार्मर ने 1 आर्म लेंथ की रस्सी निकाली और लाली ने क्या किया, इसी को 7 टाइम्स मेजर कर दिया एंड रोप. लाली गिव हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप. मेजर योर आर्म एंड योर मदर आर्म विच, व्हाट इज द डिफरेंस. अब यहां पर ये बोल रहे हैं अपनी मम्मी का हाथ और अपना हाथ की लेंथ को मेजर करिए और व्हाट इज द डिफरेंस. तो यू विल फाइंड दैट योर आर्म लेंथ इज शॉर्टर. ओके, how many, in how many steps will Dorji cross the road. तो Dorji कौन है, he is Dorji. आपसे पूछा गया है ये जो Dorji है ये कितने steps में ये road cross कर लेगा. अगर देखें हम, ये इसका 1 step है ये इतनी length का, तो ये 2nd step हो जाएगा यहाँ तक, ये 3rd step हो जाएगा यहाँ तक और ये 4, ठीक है. तो ये 3 more steps ये इसको और लेना पड़ेगा, 1 step, 2 step और 3 step. 3 step में, approx 3 step में he will cross the road. Next question आपसे पूछा गया है, how many cups can be placed in a line on this table. यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, ये टेबल है, इसके ऊपर कुछ कप्स रखे गए हैं, ये रहे कप्स. आपसे पूछा गया है हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन ए लाइन ऑन दिस टेबल. इस लाइन पर हम कितने कप्स और रख सकते हैं, आइए देखते हैं रख के. ठीक है, ये कप हो गया, दूसरा कप हो गया, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हम 4 more cups और रख सकते हैं. ठीक है, 4 more cups. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच.
अब यहाँ पर आप दो पॉट देख रहे हैं, हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच, आप इसके ऊपर कितने पॉट्स और रखेंगे ताकि ये पॉट्स इस ब्रांच, इस ट्री की ब्रांच तक पहुंच पाए। तो इस तरीके से ये एक रखा, फिर इसके ऊपर एक और रखा, फिर इसके ऊपर एक और रखा, तो थ्री मोर स्टेप्स। हाउ मेनी पॉट्स पूछ रहे हैं ना आप, कितने, तो थ्री मोर पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर, कितनी शर्ट्स इस वायर पर टांगी जा सकती हैं। तो अगर हम स्केल से इस लेंथ को मेजर करें तो इसके हिसाब से एक यहां पर एक और शर्ट आएगी और एक और शर्ट आएगी, ठीक है, तीसरी शर्ट पूरी हम इसको नहीं टांग पाएंगे, तो दो शर्ट्स और आ जाएंगे, टू शर्ट्स वी कैन हैंग हियर, ठीक है, हम दो शर्ट्स को यहां पर टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच इज अ सेंटीमीटर, ओके, अब मैं आपको बताऊंगा सेंटीमीटर क्या होता है। सेंटीमीटर को ये cm इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसको इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर, CENTIMETRE, ठीक है, इसको जब भी हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं, छोटी जो लेंथ होती है उनको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। Now here you can see, here is the lizard and we have to measure its length. So before that, I would like to tell you how to measure the length of any object with the help of scale. So I will show you here the scale, a picture of scale. Here you can see the picture of scale. To measure any object, you have to place the zero point here. जब भी आपको कोई चीज मेजर करनी है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है हमेशा। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको। जैसे कि आपसे बोला गया कि 2 मीटर की लेंथ को मेजर करिए, ठीक है ना, तो आप इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें इस लिजार्ड की लेंथ को मेजर करना है तो हम अपने स्केल का जीरो यहां पर रखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये अराउंड 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आएगी। जीरो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हम कैसे लिखेंगे, द लेंथ ऑफ दिस लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर, ओके। Always do remember, whenever you are measuring any object, you have to measure from 0, not from 1. Okay, 1 से measure नहीं करते हैं, हमेशा 0 से measure करते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ से इस matchstick की length measure करनी है, तो ये कितना हो गया? ये हो गई हमारी, यहाँ से जब हम measure कर रहे हैं इसको, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई, ठीक है ना। अब यहां पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनकी हमें लेंथ को मेजर करना है, ठीक है ना। तो अगर ये देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सबसे पहले अगर इस बॉक्स की लेंथ को मेजर करें तो हम देख के बता सकते हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जा रहा है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछा जाए इस डाइस की लेंथ क्या है, तो ये 4 to 5, 1 सेंटीमीटर का गैप है, इसलिए इसकी लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और हमसे अगर पूछा जाए इस लीफ की लेंथ क्या है, तो
तो इस लीफ की लेंथ 8 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लीव इज 4 सेंटीमीटर, हम ऐसे लिखेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ दिस डाई इज 1 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल 7 एंड द लेंथ ऑफ दिस लीव इज 4 सेंटीमीटर। हाउ इट्स 4 सेंटीमीटर, इट स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड एंड्स एट 12, सो दिस इज 8 टू 9 1, 9 टू 10 2, 10 टू 11 3 एंड 11 टू 12 4 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ द लीव इज 4 सेंटीमीटर। नाउ डू सम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस। द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एज यू कैन सी हियर द लेंथ ऑफ दिस मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर, ओके। द डाई इज 1 सेंटीमीटर from every side, here you can see the die, the length of this die is 1 cm, the lizard is 13 cm long, you can see from the above picture the length of this lizard is 13 cm, okay. The leaf is 10 cm long, so you can tell me what is the length of this leaf is 4 cm. Yes, from the above picture we can see and we can also measure the length, that is 4 cm. The wax color is dash cm long. Okay, this is the box of wax color. So tell me what is the length of this wax box? It is 7 cm long. Now look at a scale that you find in geometry box. Okay, how many cm does it have? Ye aapko mujhe batana hai. कि जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक स्केल भी होता है, उसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। लुक एट द स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव, उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे ये जो इस टाइप का आपका स्केल होता है, मैंने भी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें जो काउंटिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 लास्ट कहाँ तक चलता है, ओके ये आपको मुझे बताना। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। द स्मॉल स्केल दैट यू यूज मोस्टली इन स्कूल इज लाइक दिस वन, जैसा कि सभी बच्चे जो यूज करते हैं स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स वो कुछ इस तरीके का होता है। और इससे जो पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उसमें टोटल नंबर या कितने लेंथ तक की चीज मेजर कर सकते हैं, तो हम 15 सेंटीमीटर लेंथ तक की चीज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है 1 सेंटीमीटर। इससे जो भी स्केल से जो भी चीज हम मेजर करते हैं, हमेशा याद रखेंगे सभी बच्चे, वो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो आपसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनकी लेंथ पूछी गई है। तो अब आप देख के आराम से बता सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी क्योंकि 0 to 1 है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी आप बताइए, 0 to 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस नेल की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक है, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द मार्क 0? लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। ओके, तो आपसे पूछा गया है इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0 मार्क, क्या आपके लिए मेजर करना 0 से इजी होता है। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। आपको क्या करना है, कुछ चीजें ड्रॉ करनी है और 0 से उनको मेजर करना है। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। नेक्स्ट क्या है, वॉट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर। अब आपको यहाँ स्केल में कुछ लिटिल लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये किसके लिए है। जैसे कि अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, इस तरीके से स्केल है, ये बड़ी लाइन होती है, फिर छोटी छोटी लाइन होती है, फिर बड़ी लाइन होती है। तो ये जो छोटी लाइन है इनको बोलते हैं लिटिल लाइन्स, इनका यूज क्या है। तो इनको हम यूज करते हैं मिलीमीटर, कोई चीज बहुत छोटी है 1 सेंटीमीटर से भी छोटी है तो उसको हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में, मिलीमीटर, ओके मिलीमीटर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है एम मिलीमीटर। व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर टू मेजर थिंग्स लेस देन 1 सेंटीमीटर।
okay, to measure things less than 1 सेंटीमीटर. जो 1 सेंटीमीटर से छोटी चीजें हैं उनको हम इन लिटिल लाइन से मेजर करते हैं, और लिटिल लाइंस को एमएम में मेजर किया जाता है, मिलीमीटर में. लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. आपको बताना है अपने आसपास की जो चीजें हैं आपकी सराउंडिंग में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए 10 सेंटीमीटर कितना होता है. आप देख सकते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे 10 तक, मतलब इतनी बड़ी क्या क्या चीजें आपके आसपास आपने देखी हैं. तो सबसे पहले तो सभी बच्चे फोन देखते हैं, तो मेरे ख्याल से जो फोन की लेंथ होती है वो अप्रोक्स आपके मोबाइल फोन की जो लेंथ होती है अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर करीब होती है, ठीक है ना. और आप और भी कुछ चीजों का, जैसे हमारा टीवी का रिमोट होता है, एसी रिमोट होता है, इनकी भी लेंथ अराउंड 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है. और आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ चीजें सजेस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हुज लेंथ इज अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. द सेकेंड वन इज बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम होती है. जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपकी कॉपी की लेंथ, ठीक है ना. और भी आप अपनी तरफ से चीजें सजेस्ट कर सकते हैं. आपको ऐसी चीजें बतानी है जिनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से छोटी होती है, जैसे आंट चींटी जो होती है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से कम होती है. और भी आप चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से. ड्रॉ सम ऑफ देम हियर, ठीक है. आपको यहाँ पर एक स्पेस गिवन है बुक में, इस स्पेस में आपको बहुत सारी चीजें ड्रॉ करनी है. माउस, वेयर आर यू, आई एम हेयर, ठीक है. तो ये जिराफ है, जिराफ पूछ रहा है माउस से वेयर आर यू, तो माउस क्या कह रहा है, आई एम हेयर, मैं यहां हूं. नेक्स्ट, हाउ बिग इज माई हैंड, मेरा हाथ कितना बड़ा है. मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, ठीक है. जो हमारा हाथ होता है ये हमारा थंब होता है, इसको हम थंब बोलते हैं. और ये जो सबसे लास्ट वाली फिंगर होती है, उंगली होती है, इसको हम बोलते हैं लिटिल फिंगर, ठीक है. तो आपसे बोल रहे हैं अपने लेंथ, अपने हाथ का जो अंगूठा है आपका थंब, उसकी लेंथ को मेजर करिए, एंड ऑल्सो मेजर दी लेंथ ऑफ योर लिटिल फिंगर, और यूज दी स्केल ऑन दिस पेज, ठीक है. और आप बताइए कि कौन सा लंबा है, कौन सा बड़ा है, विच इज लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर, थंब बड़ा है या लिटिल फिंगर. ब्रिंग अ मेजरिंग टेप टू योर क्लास, मेजरिंग टेप लेके आइए क्लास में, और हमें उससे क्या करना है, गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ योर गैस इज करेक्ट. हमें क्या करना है, हमारे बॉडी पार्ट्स की लेंथ को गैस करना है, और फिर मेजरिंग टेप से हमें उसको बताना है कि क्या वो सही हमने गैस किया है या नहीं. यू कैन यूज अ स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप एटसेट्रा. जैसे कि अगर हमें अपने हेड को नापना है कि हमारा हेड कितना सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, उसकी लेंथ क्या है, तो हम स्केल से तो नापेंगे नहीं, स्केल से हम वही चीजें नापते हैं जो स्ट्रेट होती हैं, ठीक है ना. अब जैसे कि हमें हेड नापना है, तो हेड हमारा क्या है, राउंड शेप में, तो राउंड शेप को कैसे नापेंगे, हम मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं. मेजरिंग टेप क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो इस तरीके का होता है टेप, और उसमें भी स्केल बना होता है, ठीक है ना. तो उसकी हेल्प से हम नाप सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड ले सकते हैं, और थ्रेड का एक एंड यहाँ पर पकड़ें और इसको पूरे हेड के अराउंड इस तरीके से घुमा दें, और उसका सेकेंड एंड भी पकड़ लें. अब क्या करेंगे, इस थ्रेड को इस तरीके से सीधा रखेंगे और स्केल की हेल्प से इस थ्रेड की लेंथ को हम नाप लेंगे, और हमारे जितनी भी लेंथ आएगी वो हमारे हेड की लेंथ हो जाएगी. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. एक धागा ले सकते हैं, उससे जैसे यहाँ पर हाथ, हमारी जो रिस्ट है, कलाई है जो, वो उसकी लेंथ कितनी है, तो अगर वो नापना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने धागा लेके अपने हाथ के राउंड बांधेंगे उसको, और उस धागे की लेंथ स्केल से मेजर करेंगे. जो भी लेंथ आएगी वो हमारे हाथ की मेजरमेंट हो जाएगी. इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो आप इसको एक्टिविटी को कर सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं. थिंक, सोचिए, हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ यू मेजर विद ए रोप, शू स्ट्रिंग, थ्रेड एटसेट्रा. अभी आपको सोचना है कि आप कैसे उसको,
अगर मान लो आपने किसी चीज की लेंथ रस्सी से नापी है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि उसमें कितने सेंटीमीटर हैं? तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता भी दिया है। उस रस्सी को हम स्केल से नाप लेंगे, उस स्केल्स में जितने सेंटीमीटर आएंगे वही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नोस। अब नोस जो आपकी नाक है उसका मेजरमेंट कितना है, मान लो आपने किया 4 सेंटीमीटर, फिर उसको आप धागे से नापिए, फिर धागे को स्केल पर नापिए, फिर देखिए क्या आपने जो नापा है वो सही है या नहीं। माय मेजरमेंट, माय फ्रेंड्स मेजरमेंट, अराउंड द रिस्ट, ठीक है, अपनी कलाई, जो हाथ की कलाई होती है रिस्ट, अराउंड द हेड, हेड को नापिए, ईयर को नापिए, हैंड टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू रिस्ट, ठीक है ना, अपनी जो मिडिल फिंगर होती है उसकी टिप से लेकर रिस्ट तक नापिए और इनको मेजर करिए, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे, करके एक बार ट्राई करिए, आपका जो मेजरमेंट का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। कंपेयर योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, फिर आपको कंपेयर भी करना है, आपका जो मेजरमेंट आया वो अपने फ्रेंड के मेजरमेंट से कंपेयर करना है, हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड। तो जब आप मेजर करेंगे आपके सिर का, आपके फ्रेंड का जो सिर का मेजरमेंट है वो कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, तो फिर आपको इसको डिस्कस भी करना है कि किसका ज़्यादा बड़ा है, किसका छोटा है, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, किसका सबसे लंबा हाथ है, विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज, आपका कान ज़्यादा लंबा है या आपकी नाक ज़्यादा लंबी है। तो जब आप मेजर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इज एनी ऑफ योर नेल मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या आपका जो हाथ में जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उस वो कोई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा है तो बताइए, तो वो भी आप नाप सकते हैं। नेक्स्ट, जिबली एंड दी ग्रेन्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिबली एंड दी ग्रेन्स, एंड जिबली हैज टू रीच द ग्रेन। तो आप देख सकते हैं ये जिबली है और ये ग्रेन्स हैं। तो जिबली को कहाँ जाना है, ग्रेन्स तक जाना है। तो जिबली को ग्रेन्स तक जाने के लिए 4 पाथ हैं, ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आपसे पूछा गया है इसमें, कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रोड। आंट जिबली हैज टू रीच द ग्रेन, शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रूट। जो जिबली आंट है इसको ग्रेन्स तक जाना है पर ये शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ रही है, तो हमें इसकी मदद करनी है शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने में। तो कैसे करेंगे, हम एक थ्रेड लेंगे, थ्रेड से हम ये वाली लेंथ को मेजर करेंगे इस तरीके से, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये वाली लेंथ और फिर ये वाली लेंथ, फिर उस थ्रेड को हम स्केल में नापेंगे और फिर देखेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर, मान लो ये लेंथ आ रही है 14 सेंटीमीटर, फिर हम जो रोड बी है उसकी लेंथ सेम वे ऐसे ही नापेंगे, यहाँ से लेके थ्रेड यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, फिर इस लेंथ को हम स्केल से मेजर करेंगे, इसी तरह सी का देखेंगे, इसी तरीके से डी का देखेंगे। तो थोड़ा देखने से आइडिया लग रहा है कि जो रोड बी है वो शॉर्टेस्ट रोड है, तो जिबली जो है वो रोड बी से जाएगी ताकि वो जल्दी ग्रेन्स को खा पाए, है ना। आप चारों को मेजर करिए अच्छे से, धागा लेके फिर धागे को स्केल में मेजर करिए और फाइंड आउट करिए कि इसमें शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है जिसको जिबली को फॉलो करना है। डी वाला तो काफी बड़ा लग रहा है ना। अब आपसे इसमें पूछा गया है, कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रोड, क्या आप कोई इसके अलावा शॉर्टर रोड बना सकते हैं। तो हम एक डायरेक्ट रोड भी बना सकते हैं जिबली के लिए, जो कि यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करती है ना, और इसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए और बताइए कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है, ये आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 52 तक कर रहे हैं, मैंने पेज नंबर 52 तक आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 53 से लास्ट तक कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।